टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले बात होगी कश्मीर की मारूफ सियासतदान महबूबा मुफ्ती के इस बयान के हवाले से, जिसमें उन्होंने कश्मीर के उन नौजवानों से अपील की है जो अभी भी उनके ख्याल में गोला बंदूक की पुरतशद्दुद राह अपनाए हुए हैं कि वो बंदूक का रास्ता छोड़कर अमन की राह पर चलें। उन्होंने अपने इस बयान में मोदी सरकार से भी मुतालबा किया कि वो आर्टिकल्स 370 और 35 को वापस बहाल करें। आइए देखते और सुनते हैं महबूबा मुफ्ती के इस वीडियो क्लिप को। मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, मेरे बच्चों मेरे भाइयों, बंदूक मत उठाओ। बंदूक की जबान कोई नहीं समझेगा, दुनिया में बंदूक के खिलाफ है लोग। अगर आप अमन से जमहूरी तरीके से अपनी बात कहेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी, अगर बंदूक से कहोगे तो मारे जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी गुजारिश है अपने नौजवानों से, बंदूक का रास्ता तर्क कर दो, बात करो जमहूरी निजाम में, बात को आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, आखिरकार उनको बात सुननी पड़ेगी। हम अपने मुल्क से कहते हैं कि जो आपने हमसे छीना वापस कर दो और सूद के समेत वापस कर दो। अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोग चाहिए तो आपने जो हमारी इज्जत पामाल की, हमारा तशखुस पामाल किया, उसको बहाल करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं। ये अपने मुल्क से हम कहते हैं, किसे कहूं मैं? इनको गुस्सा क्यों आता है? जब महबूबा मुफ्ती कहती है 370 बहाल करो, हमारा तशखुस बहाल करो, हमारी इज्जत बहाल करो, तो इनको बीजेपी वालों के सरकार को गुस्सा क्यों आता है? मैं क्या पाकिस्तान से मांगू? हमने तो इलाहाबाद के साथ किया, इस मुल्क के साथ किया, ये हमारे बच्चे हैं, इनको वापस आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा तरीका क्यों? अगर आसाम के मिलिटेंटों को वजीर आजम दावत देते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, बंदूक छोड़ दो, अगर बोर्डर्स के साथ बातचीत हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों तकलीफ होती है? जम्मू कश्मीर में क्यों बार बार मारदार जेल और उसके बगैर कोई और चारा नहीं है? हाल ही में श्रीनगर के बतमूल इलाके में हजरत शेख दाऊद साहब का उर्स धूमधाम से मनाया गया। कोविड की पाबंदियों के बावजूद तमाम मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों ने इस उर्स में शिरकत की। नौजवानों ने हजरत शेख दाऊद की अकीदत में कसीदे पढ़े। इस मौके पर एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। बटमालू का इलाका है, खाली वही लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, जितने भी यहाँ के डायमेंशंस हैं, आउटर डायमेंशंस के लोग जहाँ पर रहते हैं, वो भी यहाँ पर अकीदत एहतराम से मनाने के लिए आते हैं। और यही नहीं कि दूसरे फ़िरके के लोग भी यहाँ पर आते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, अभी आप अगर देखेंगे कि सिख भी है यहाँ पर और पंडित बरादरी के लोग भी यहाँ पर आते हैं अकीदत मनाने के लिए।
हर किसी आदमी बुजुर्ग हो या जवान हर कोई आना चाहता है यहाँ पे। यह हमारा शौक है और ऐसे भी हमारा अकीदा ही है अहले सुन्नत का। हमारे पैगंबर है ये भी हमारे वली है, इसीलिए हम हर साल यहाँ पे आते हैं। हमारी खुशनसीबी है जो हम इस माहौल में पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला से हमेशा हम नेक हाजात ही मांगते हैं, अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं और इस कौम में अभी बहुत सारी खराबियाँ हैं, बेहयाइयाँ हैं, वो चीज़ें ख़त्म हों। अल्लाह ताला से दस्तिबो दवा है कि जो कोरोना वायरस है उस चीज़ से हमें नजात मिले। जम्मू कश्मीर में हर शोबे के अंदर नई से नई राहें खुलती जा रही हैं, वहां औरतों के लिए पहले फुटबॉल क्लब का भी इजरा हुआ है। इस मौके पर हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें खिलाड़ियों और मुंतजमीन ने भी अपनी राय का इजहार किया है। ٹو میں ہم نے ایک لانچ کرنے والے تھے لیکن تھوڑا سا انریسٹ ہوا اور اس کے بعد کووڈ کے حالات آگے اور ہمارا کام رہ گیا تھا۔ اب چونکہ ہاں جی آج اس کی انوگریشن ہے، آج اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں، تو پروگرام ہمارا وہی ہے، مشن ہمارا وہی ہے کہ تاکہ ہم لڑکیوں کو، اپنی لڑکیوں کو اس فیلڈ میں لائیں۔ اب تو ہماری بچیاں بہت آگے بہت فیلڈس میں کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو اس میں فٹ بال میں بھی ان کو لائیں۔ آج ہمیں یہ اپرچونیٹی ملی ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ اکیڈمی بھی کھولی جہاں پہ ہمیں سکھائے، جہاں پہ ہمیں پریکٹس کروائے، تو اس وجہ سے ہم بھی وہاں اس مقام ایون اس سے آگے مت پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ آج لڑکے ہیں۔ فیمیل اکیڈمی ہے، کتنی ضرورت تھی کہ فیمیل فٹ بال کو بوسٹ کرنے کے لیے؟ بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ کھیلتے ہیں لڑکے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھیلتی ہے، اور جب ریکگنیشن نہیں ملے نا تو پھر لڑکیاں پھر آگے جاتی نہیں ہیں بیسکلی۔ جب ریکگنیشن مل گئی اب آئیں گی لڑکیاں، اور آئیں گی، آلریڈی کھیلتی تھی اور بھی آئیں گی، تو بہت امپورٹنٹ تھا اور بہت اچھا ہوا بھی۔ کشمیر کی ایسی لڑکی سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں جس نے انڈیا ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام جمایا۔ مصنفہ صالحہ شبیر نے 3 شہرائے آفاق کتابیں لکھی ہیں اور ان تینوں کتابوں کی بنیاد پر صالحہ کا نام انڈیا کے ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو چکا ہے۔ اس موقع پر اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ ایک مختصر نیوز رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔
टिल नाउ मैंने 3 किताबें लिखी हैं, जिनमें से हर एक किताब का अपना एक रीज़न रह चुका है। जो मेरी पहली किताब है इन द लॉन ऑफ डार्क, वो ई बुक थी एंड दैट वॉज कलेक्शन ऑफ कोट्स। देन आई केम विद ऑब्सोलीट एंड देन आई केम विद जून। जो जून है वो बेसिकली हवा खातून के रिलेटेड है एंड मैं बचपन से ही हवा खातून के रोल्स प्ले करते आ रही हूँ। मैसेज एक ही है कि फॉलो योर हार्ट, अपना दिल को, अपने दिल को फॉलो करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं सोसाइटी के लिए। कश्मीर में सियाहत के फरोग के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस अप्रैल 11 से 13 को मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर की हुकूमत और सोसाइटी के सभी इदारों और अफराद की भरपूर शिरकत रही। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के कुदरती हुस्न और सकाफत को मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए कशिश का मरकज बनाया जाए। ANI की कर्टसी के साथ रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित टूरिज्म सेक्टर हुआ है। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट तथा आवाम के स्वास्थ्य से बिना कोई समझौता किए हुए हमने कई कदम उठाए हैं जिससे टूरिज्म का रिवाइवल हो सका है। As the name suggests, tapping the tourism potential and a day in paradise. So as the name suggests, there is so much to see in this beautiful land of Kashmir, but we are here to explore more opportunities of what else is there that we can showcase to Indians and to the rest of the world to come and enjoy this beautiful part of our country. There is so much else. There is the heritage part of it. There are so many sites, the archaeological sites. There is a site that actually takes you to the Neolithic period. So there are these kind of things that are not so well promoted. And we look forward to working with the local administration in bringing forth so many different aspects of Kashmir. Of course, not to forget the food, the arts and the crafts. And there's just endless, endless. And of course, music. ये event है जिसमें कई लोग जो हैं बाहर से आए हैं, सारे देश से आए हैं, जिसमें travel trade है, travel agents हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, और उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे हमारा सेशन आज हो रहा है, जिसमें वील हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेशन फॉर टैपिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म हियर। कॉन्फ्रेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड डिस्कशंस हुई, जहाँ गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को बताया गया कि कैसे कश्मीर के अंदर टूरिज्म को सस्टेन किया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और एक स्ट्रेटेजिक और थॉटफुल प्रोसेस से टूरिज्म को ग्रो किया जाए। कश्मीर की बात हो तो कश्मीरी खानों को कैसे अलहदा किया जा सकता है। कश्मीर के पकवान कश्मीर की सकाफत की जान है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सियाहत के फरोग के जमन में कश्मीरी पकवानों के एक सेमिनार का एहतमाम किया।
requested our ministry, that is Government of India, that since these delegates are coming and some master chefs are also coming, celebratory chefs are coming to this place, so we have requested them to visit our institute so that they can have a live show in front of the students that will motivate the students to join the industry, and then they can make their path where they can reach tomorrow. So today we are having one celebratory chef who has won the master chef in 2010, that is Pankaj Bhaduria ma'am. She is from Lucknow. Kyunki jo local regional cuisines hote hain uske jo mahir ustad ya chefs hote hain wo bahut kam bahut baar usse bahar promote kar pate hain, to it is very good ki ek interchange ho, ek cultural exchange ho, bahar se chef aaye yahan ka cuisine seekhe use बाहर प्रमोट करें, यहाँ के शेफ बाहर जाएं, वहाँ की क्विजिन सीखें और उसे यहाँ लोकली प्रमोट करें। There is anything that attracts people to a particular place other than the scenic beauty or the natural history, of course, is the food, right? And you cannot just separate the local food from a place. So if you ever go to Japan, what do you enjoy doing? Sushi bar hopping. If you go to a particular place in Vietnam, what would you enjoy? The food. Why not appreciate that Indian food? And I believe organizing food festivals and promoting local cuisines of a particular place will definitely give a great boost to tourism in Nepal. You know, of all the tourism that takes place, 30%, this is what statistics have to state, 30% is culinary tourism. People go for food. You have such a beautiful place here, beautiful culture, beautiful food, of course, that you've enjoyed, and very friendly people. And I'm really honored to be here. And definitely we will promote the tourism here. We will ask Kenyans to come here. जम्मू कश्मीर के इलाके उधमपुर में एक ऐसे स्कूल की दास्तान आपको सुनाते हैं जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के इस दूरअफ्तादा इलाके में स्मार्ट क्लासेस का इजरा हो चुका है। कश्मीर में आम तौर पर यही ख्याल किया जाता था कि स्मार्ट क्लासेस प्राइवेट स्कूलों में मुनक़िद हो सकती हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को देखते हुए आपको जम्मू कश्मीर में होने वाले तरक्याती कामों की रफ्तार का अंदाज़ा होगा कि अब स्मार्ट क्लासेस दूर दराज के गाँव में भी मुनक़िद हो रही हैं। एक गांव का रिमोट एरिया का एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो हमने कोशिश किया कि
इस मतलब जो एक धारणा रहती है सभी टीचर्स की या सभी पेरेंट्स की कि गांव के जो सरकारी स्कूल है वो अच्छे नहीं है, मतलब इवन सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि किसी प्राइवेट स्कूल में डाला जाए, लेकिन हमने कोशिश किया कि हमारे जो इस ब्लॉक में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनसे हम बेटर एजुकेशन देंगे और अच्छी एजुकेशन देंगे ताकि सभी टीचर्स ये ना सोचें कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं हैं। इधर हमारे स्कूल में जो स्मार्ट रूम बना है उसकी वजह से हमारी एजुकेशन को बहुत मदद होगा, और जो भी हमारे स्मार्ट रूम में बहुत सारे चार्ट भी लगाए हुए हैं जहाँ पे आप देखोगे कि राष्ट्रगान लगा हुआ है, गुड हैबिट्स लगी हुई हैं और हमारे बहुत फेमस मिनिस्टरों के नाम भी लिखे गए हैं। जो ये स्मार्ट रूम बनाया गया है ये बहुत ही अच्छा है, इससे हमारी एजुकेशन पे बहुत ही अच्छा मतलब प्रभाव पड़ रहा है। जो चीज़ें हम पहले कुछ चीज़ें जो हम नहीं समझ सकते थे वो हम इसमें टीवी में देखने की वजह से अच्छे से समझ सकते हैं। आज का खुसूसी जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ देखने का शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।